हैं 10 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा जो आयोजित हुई थी सीटेट की परीक्षा। कल हमने इसके पहले वाले पैसेज को, संस्कृत के पहले वाले पैसेज को पढ़ा था, हल किया था। आज इसके दूसरे भाग को हम लोग पढ़ेंगे और हल करेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक यहां पर देखें, देखें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे पढ़ना सीखें, पढ़ें तभी आप इसे हल कर पाएंगे। व्याकरण संबंधी, देखिए बहुत दो तीन शब्दों को मिला दिया जाता है जिसके कारण आपका माथा भारी हो जाता है कि इतने बड़े वर्ड को हम कैसे पढ़ें। देखिए तोड़ लीजिए, व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता व्यवस्थित क्रिया कारक विभाग संयुक्ताया भाषा सह संस्कृत भाषित कथ्यते। अर्थात व्याकरण संबंधी दोष रहित, मतलब रहित मतलब इसमें दोष नहीं है, ठीक है। तो व्याकरण संबंधी इसमें दोष नहीं है। व्यवस्थित क्रिया कारक यानी कि यहाँ पे क्रिया और कारक जो यह व्यवस्थित है, जैसे कि आप इंग्लिश में कोई वर्ड सेंटेंस बोलते हो और हिंदी में बोलते हैं तो अंतर बेसिकली क्या होता है। जैसे देखिए आई एट अ मैंगो, मैं एक, इसका हिंदी हुआ मैं एक आम खाता हूं, ठीक है, मैं एक आम खाता हूं। तो इंग्लिश में ये सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। वही हिंदी में क्या हो जाता है, पहले हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या है मैं एक आम खाता हूं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। यानी कि इंग्लिश में एस बी ओ का फॉर्म होता है और हिंदी में एस ओ वी का फॉर्म होता है, ठीक है। तो संस्कृत में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। क्रिया कारक ये सब जो है सही तरीके से इनका व्यवस्थित क्रम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो व्याकरण संबंधी दोष दोषादि रहिता व्यवस्थित क्रिया कारक विभाग समन्वितया भाषा सा संस्कृत भाषित कथ्यते। अर्थात व्याकरण संबंधी दोष से रहित क्रिया और कारक का सही व्यवस्था जो है यही है संस्कृत भाषा, इसे ही मतलब संस्कृत भाषा हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। इयम ही भाषा सर्व दोष शून्य अस्ति। देखिए सर्व दोष शून्य, सर्व मतलब सभी, दोष शून्य मतलब दोष है ही नहीं, ठीक है। ये वो भाषा है जिसमें दोष नहीं है, ठीक है। अतः देववाणी गिवन भारती अमर भाषा इत्यादि भी शब्द व्यवहियते, इसलिए इसे हम लोग देववाणी कहते हैं, गिवन भारती या अमर भाषा के रूप में हम संस्कृत भाषा को कहते हैं, ठीक है। देवताओं की देववाणी मतलब देवताओं की वाणी, देवता भी जो अपनी वार्तालाप करते हैं वो संस्कृत में ही करते हैं, ठीक है। भाषा गत मुदार तुम मादर्वह मनोज्ञत्वम चासह वैशिष्ट्यम। अब देखिए भाषा, ये देख रहे हैं आप गत मधुरात्म, अब देखिए मधुर, मधुर समझते हैं माधुरता, ठीक है, मधुरता मादर्व यानी कि मिठास, मनोज्ञात्म सज्जनता, ये सारी चीजें जो है इसकी विशिष्टता है। संस्कृत भाषा में आपको मधुरता मिलेगा, सज्जनता मिलेगा, है ना, मिठास मिलेगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया था संस्कृत भाषा जो है इसमें एक भी अपशब्द नहीं है, गाली गलौज जो आप बोल देते हैं वो इशारा चीज नहीं है, इसलिए कह रहे हैं इसमें मिठास है, ठीक है। ऐसे ये देववाणी नहीं है, ये अन्य भाषाओं की जननी भी है, ठीक है। अब देखिए सेह संस्कृत भाषा जगत सर्वाशु भाषाशु प्राचीनतमः, सेम संस्कृत भाषा, ये जो संस्कृत भाषा है जगत जगत का सर्वाशु मतलब सभी भाषाशु सभी भाषाओं में से प्राचीनतमा इनकी प्राचीन है। सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्ता च वर्तते, सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे उत्कृष्ट है ना, ये तो हिंदी का ही वर्ड है ना, सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्ता चौवर्तते यानी कि सर्वोत्कृष्ट साहित्य वगैरह की रचना भी इसी भाषा में हुई है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जैसे दुनिया का सबसे पहला जो लिखा हुआ बुक है वो माना जाता है ऋग्वेद को माना जाता है, आपने इतिहास पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है इतिहास ना, तो सबसे पहले जो पुस्तक है लिखित पुस्तक वह ऋग्वेद है ना, वैदिक पीरियड में जैसे लिखा गया था तो वो भी संस्कृत में लिखा गया है ना, जितना भी वेद वगैरह सब उसी में लिखा गया है। तो इसलिए और महाभारत हो रामायण हो ये सब सर्वोत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में आता है कि नहीं, तो वही लिखा गया सर्वोत्कृष्ट साहित्य से ये क्या है भरा पड़ा है,
ठीक है। अब देखिए अनानंता नावंत वर्षेषु व्यापगतेष वपि अस्याः माधुर्यम् उदारत्वः च नाव्यापी विकृतम्। अब देखिए थोड़ा सा इसमें वर्ड्स लक्षण जो है वो सटा हुआ है, ठीक है। अनन देखिए अनमान नमत वर्षेषु अनेक वर्ष के होने के बाद भी व्यपगतेषु अपि ही, जैसे व्यतीत एक वर्ड होता है ना, व्यतीत मतलब बीतना, तो अनेक वर्ष बीतने के बाद भी इसका जो माधुर्यम है, इसका जो मधुरता है, इसका जो संस्कृत उदारता है वह अभी तक विकृत नहीं हुआ, यानी कि वह समाप्त नहीं हुई हुई है, ठीक है। इसकी आज भी माधुर्यता विद्यमान है, इसकी आज भी मिठास विद्यमान है। आपने जाना इतने वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी संस्कृत की जो माधुर्यता है, इसकी जो मादकता है, अर्थात इसकी जो मिठास है, वह अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो हम लोग आगे की पंक्ति को देखते हैं। अब देखिए पाश्चात्य देशीय, पाश्चात मतलब क्या, पश्चिमी, ठीक है। पाश्चात देशीय मतलब बोलते हैं पाश्चात संस्कृति, यानी कि वेस्टर्न जो कल्चर है, ठीक है। तो पाश्चात देशीय मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के, ठीक है। विचारशील मतलब विचारक होता है, ठीक है। किल्हान ये विचारकों का नाम है, किल्हन हो गया, मैक्स मुलर का तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना, और मैकडोनाल्ड का पिज्जा वगैरह आप सुने ही होंगे, है ना, आई एम लविंग इट जिसका ये टैगलाइन है। तो किल्हान है ना, मैक्स मुलर, मैकडोनाल्ड की थादय विद्वांस संस्कृत भाषाया प्रशंसा अकुर्वन, अर्थात पश्चिमी देशों के विचारकों ने, जैसे कि किल्हन, मैक्स मुलर, मैकडोनाल्ड इत्यादि विद्वानों ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है, ठीक है। इसके पहले की क्लास में भी हमने बताया था कि संस्कृत जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए भी सबसे अच्छा भाषा है, है ना। अब देखिए सर्वसामार्ज भाषा, सर्वसामार्ज भाषा रूपोत्पत्ति अतएव बभूर्वः। देखिए क्या कह रहा है, सर्वसामार्ज भाषा रूपोत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, जी जी बिल्कुल। तो सभी भाषाओं का जो उत्पत्ति है वह इसी से हुआ है, यानी कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है। पूरा सर्वे जना संस्कृत भाषा एवा भाषत, पूरा मतलब प्राचीन काल में, ठीक है। सर्वे जना मतलब सभी जन संस्कृत भाषायाओं या भाषा वा भाषण, अर्थात पहले सभी लोग संस्कृत भाषा में ही संवाद करते थे, बात करते थे, है ना। अतः इसलिए सर्वमपि प्राप्तानहं साहित्यम संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यते, अतः मतलब इसलिए सर्वमपि प्राप्तानहं साहित्यम संस्कृत भाषाया आमेव उपलब्धते, इसलिए जितनी भी हमारी साहित्यिक रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो विद्वांस संस्कृत भाषायामेव सन्ति, जितने भी प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, चारों जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में ही तो हैं, है ना। जो सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद, बाकी के समय में क्या हुआ, वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया, फिर लेटर वैदिक पीरियड में बाकी तीन वेदों का रचना हुआ, फिर वेद के पे लिखा गया, भाषा लिखा गया, वेद का कोई डिफाइन करता है, वेदांग वगैरह होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। अब देखिए वेदेषु मानव कर्तव्य कर्तव्य हो सम्यक निर्धारणम अस्ति। देखिए सम्यक का मतलब क्या होता है, उचित होता है, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, इसे पढ़े थे ना, तो सम्यक का मतलब होता है सही। तो वेदेषु मानव कर्तव्य कर्तव्य हो सम्यक निर्धारणम अस्ति, वेदों में यह वर्णित है कि मानव का क्या कर्तव्य, उचित कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा क्या ड्यूटी होना चाहिए, ये सारी चीजें निर्धारित की गई है, ठीक है, वेदों में। ततो वेदानां व्याख्यानः भूता ब्राह्मण ग्रंथा वर्तन्ते, ततो वेदानां व्याख्यान, इन वेदों की व्याख्या जो की गई है ये ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है। ये ब्राह्मण मतलब पंडित ही नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ब्राह्मण क्या है, पुस्तक का नाम है, ठीक है, ब्राह्मण हो गया। उसी तरह से एक पुस्तक होता है अरण्यक होता है, अरण्य का अर्थ होता है वन, तो इसे जंगल में ही पढ़ना है, ठीक है, जंगल बुक, ठीक है, यहां में पढ़ना है, जंगल में ही पढ़ना है। तो उसी तरह से ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, ठीक है, वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, बहुत सारी चीजें है ना। और फिर उसके बाद समिति है, पढ़े ये सब नाम सुने हैं,
बिल्कुल सुने होंगे। अब देखिए तगड़ो अध्यात्म विषय प्रतिपादिका, अध्यात्म अध्यात्म समझ रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिज्म है ना, तो तगड़ो अध्यात्म विषय प्रतिपादिका उपनिषदों विद्यन्ते है, और अध्यात्म विषय के बारे में जो प्रतिपादित किया गया बातों को वो उपनिषदों में वर्णित है। ठीक है, अच्छा उपनिषद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के समीप बैठना, ज्ञान के समीप बैठना होता है। तो ये जो अध्यात्म विषय है ये सारी चीजें किसमें प्रतिपादित है, उपनिषदों में प्रतिपादित है, उपनिषद हमारी पुस्तक है। ठीक है, हाँ हम अभी उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए याशः गरिमः पाश्चात्य बहुगे रफी गियते, इसकी जो गरिमा है, गरिमा मतलब गौरव आप कह सकते हैं, वो पाश्चात्य बहु ये रफी गियते यानी कि पाश्चात्य देश के भी जो लोग हैं वो इसकी गरिमा से क्या परिचय से मतलब गौरव गाथा गाते जो भी है। अब देखिए ततो अस्माकं गौरव ग्रंथा सदर्शनानि शन्ति, अब हमारे जो गौरव ग्रंथ है, हमारे जो गौरव ग्रंथ है उसमें छह दर्शन है, नाम सुनेंगे जैसे सांख्य दर्शन वगैरह सुने होंगे, ऐसे इसमें है लिखा होगा सांख्य दर्शन वगैरह सुने ना, तो दर्शन हमारा छह है। ठीक है, अब देखिए ऐसा ऐसा मध्योपि विश्वस्य साहित्ये महत्त्वं वर्तते, ऐसा मध्यपि विश्वस्य साहित्ये महत्त्वं वर्तते, विश्व साहित्य में इसका बहुत ही महत्व, ये जो हमारे छह दर्शन है इसका विश्व साहित्य में बहुत महत्व है। देखिए तत् स्रोत सूत्राः ग्रह सूत्राः वेदेख्यान भूताना षड् षड् अंगाना गणना अस्ति, जैसे स्रोत सूत्र हो गया, ग्रह सूत्र हो गया, वेद व्याख्यान वगैरह हो गया, ये सब छह हमारे क्या है, छह हमारे क्या है, ये दर्शन है। ठीक है, बाकी सारा नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण से महर्षि व्यास रचित महाभारत निर्माण पूर्व घटना ही वर्तते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जो महाभारत है, ये जो ऐसा विश्व साहित्य है जिसका निर्माण की घटना पूर्व में कभी नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए क्या खास है इसमें, रामायण और महाभारत क्या है, महाभारत ये क्या है, एक इपिक है, इपिक सांद्र क्या होता है, इपिक किसको कहते हैं, वैसे लॉन्ग इसको कहते हैं, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। ठीक है, यानी कि वैसे गद्यकंड जिनमें गीता का गुण विद्यमान होता है उसे आप क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में रामायण का पाठ होता है, आप गा पाते हैं ना उसे, तो वैसी कविता जिसमें गीता का गुण विद्यमान होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। तो रामायण और महाभारत ऐसा महाकाव्य है जो ऐसा रचना कहीं हुआ ही नहीं है, ये महाभारत जो एक्चुअली अरे जय संगीता के नाम से जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा, विस्तार से पढ़ा होगा, क्योंकि ये वास्तव में युद्ध से संबंधित है ना, बाद में इसमें ही इसका एक पोर्शन है गीता, वो क्या है, युद्ध के समय कृष्ण जो है उसको संदेश देते अर्जुन को, तो वही जो संदेश है उपदेश है वह गीता है, वह वर्णित है। ठीक है, वो भी व्यास ने ही लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे गीता रहस्य किसने लिखा है तो क्या बोलेंगे, नहीं बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, गीता रहस्य अलग है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, और सिर्फ गीता पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, वेद व्यास बोलेंगे, महाभारत भी पूछेंगे तो भी आप वेद व्यास बोलेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए आपको बताई क्योंकि क्वेश्चन जो एस एस सी वगैरह को आपको घुमाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, रामायण, हाँ रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है और रामचंद्र मानस को तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे, वो ये मुगल पीरियड में थे, अकबर वगैरह वगैरह के दौर के थे। ठीक है, मुगल काल के थे वो। चलिए आगे जानते हैं, अब देखिए तत्र दुर्लभस्य कवित्व स्वयं, थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारा जो वर्ड है ना एक दूसरे में ये हो गया है, मतलब देख रहे हैं ये चीज में अंदर हो गया है प्रिंटिंग वगैरह में, तत्र दुर्लभस्य कवित्व स्वयं नहीं सर्वाधिक सौंदर्यस्य अध्यात्म ज्ञान से नीति शास्त्र दर्शन है जायते है, तत्र दुर्लभस्य, यहाँ दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो कहीं और नहीं मिले। ठीक है, कवित्व दुर्लभस्य कवित्वस्य यानी कि इसमें दुर्लभ कवित्व है, ये ऐसा कवित्व जो दूसरी जगह पर ऐसा कविता देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल कह सकते हैं। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अध्यात्म ज्ञानस्य, अध्यात्म अध्यात्म स्पिरिचुअल, ठीक है, यानी कि भगवान वगैरह से संबंधित, समझ रहे ना,
अब देखिए नीति शास्त्र से 14 श्रम जाए तो नीति शास्त्र मतलब मॉरलिटी में बेस्ट, जो हमारा रामायण है महाभारत है इसमें नैसर्गिक सुंदरता अध्यात्म तो है ही, साथ ही साथ नीति का भी पाठ पढ़ाया गया है। रामायण में देखते मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें राम कहा जाता है क्योंकि मर्यादाओं का पालन करने वाले वो थे, ठीक है। पिता के कहने पे घर को त्याग दिए, एक पत्नी सारी सुविधाओं को छोड़कर के पति के लिए वन को निकल गई है ना। लेकिन आज का समय ऐसा है, उसी वक्त तुलसीदास कह दिए थे कि आपत्काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र और नारी, विपत्ति आएगा भैया तो चार चीज का परीक्षण होता है धीरज धर्म मित्र और नारी का, और आज के समय नारी सबसे पहले लात मार के भाग जाती है, समझ गए ना बात को। लेकिन उस समय की नारी देखिए है ना, अपने पति के लिए सर्वस्व सुखों को त्याग दी, तो मॉरलिटी भी बता रही है। साथ ही साथ जब देखिए कर्तव्य का भी बोध होता है हमें, महाभारत जब पढ़ते हैं तो महाभारत में आपने पता पांडव लोग है ना, अपने मांगे थे हक मांगे थे ना कौरवों से, तो वो लगा सुन के लोग के बराबर जन्म नहीं देंगे, ठीक है। फिर भी क्या जब युद्ध वाली बात होती है तो अर्जुन जो थे बहुत ज्यादा व्यथित थे, किससे लड़ रहे हैं वो तो मेरा भाई चचेरा भाई है ना, अगर जीत भी जाते तो क्या हासिल करेंगे है ना, भाई को मार के हम क्या सुख प्राप्त करेंगे। तो उनको ज्ञान देते हैं, बेटा बड़ा तुमको ज्ञान आ रहा है, मतलब तुम बड़ा नीति वाला बात कर रहे हो। कृष्ण बोलते हैं एक बात बताओ, जब मतलब इनकी पांच उनकी वाइफ एक थी ना, जब इनका चीरहरण हो रहा था उस वक्त भी तो ये भाभी लगी थी ना कौरव, कौरवों के लिए तो तुम्हारी वाइफ जो मतलब भाई थी पांडवों की वाइफ तो क्या लगेगी, भाभी लगेगी। तो जब चीरहरण हो रहा था तो उस वक्त उनका नैतिकता कहां गया था, क्या उन्हें उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था है ना। और आज भी तो तुम अपने हक को मांग रहे हो और वो तुम्हें हक नहीं दे रहे हैं है ना, तो इस वक्त उनका नैतिकता कहां गया। तो भाई तुम्हें अब क्या है अस्त्र उठाना पड़ेगा, समझ रहे बात को, हक की बात है। तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को वहां से मिलती है ना, यानी कि जो गलत उसको विरोधन में करना है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। अब ततो भासः ततो भासः श्वघोष कालिदास भवभूति दांडीबान शोभंधु हर्ष प्रवृत्तियों महाकाव्य नाटक राक्षस समायंती। अर्थात यहां देखिए अश्वघोष कालिदास भवभूति दंडी शुभंधु हर्ष प्रवृत्ति ये सब महाकवि लोग हैं, ठीक है। इनकी जो नाट्य है इन्होंने नाट्य लिखा है, नाटक लिखा है। जैसे आपने कालिदास का ही नाम जाना, भारत का जो नाम भारत है वह किसके नाम पे, शकुंतला और दुष्यंत का बेटा था भरत। अभिज्ञान शकुंतलम ये कहानी पढ़ेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम क्या नाटक है ना, मेघदूतम क्या है उनका नाटक है लिखा हुआ है ना, जहां अपनी प्रेमिका को वो पत्र भेजते हैं बादलों के माध्यम से है ना। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए ये शाहरुदेन रहा केवलम आर्जवर्त अपितु सकलमेतत् जगत धन्यमातं मान्यते। अर्थात ये जो नाटक है इसे सिर्फ आर्जवर्त मतलब भारत होता है, आर्जवर्त उस दिन ये पढ़ा रहे थे ना संकल्प, उसको बताया था आर्जवर्त नाम बोले थे ना संकल्प में, तो आर्जवर्त मतलब भारत होता है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे जो सकल जगत है अपने आप को धन्य महसूस करता है ना। ऐसे ही इनकी तुलना शेक्सपियर ऑफ इंडिया थोड़ी ना की जाती है, शेक्सपियर से की जाती है ना, बाकी लोग भी तो पढ़े होंगे तब तो इनको ये उपाधि दिया गया। अब देखिए आगे देखते हैं, कवि वर्णामिति शाह वर्णन विद्वांसु श्रीमद भगवत गीता स्मृति ग्रंथ पुराणानि च संस्कृत साहित्यस्य महात्म्यं प्रकटयन्ति। देखिए बहुत सारे कवि और विद्वान भी ऐसे हैं जो श्रीमद भगवत गीता स्मृति ग्रंथ पुराण इत्यादि जो संस्कृत साहित्य वगैरह के महात्म को समझ नहीं पाए हैं, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए। हाँ लेकिन बहुत सारे जैसे आईफोन का मालिक जो है वो भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, उसने भगवत गीता को पढ़ा था। बहुत सारे लोग अपने असफल समय में गीता को पढ़े थे, यही से उन्हें रास्ता मिला है ना। तो एक्चुअली लेकिन इसके सार को आज गीता हो गया स्मृति ग्रंथ पुराण वगैरह बहुत सारे विद्वान लोग आज भी नहीं समझ पाया है और न समझ पाएगा। चलिए आगे जानते हैं, संस्कृत साहित्य भारत से गौरवम उद्घोष्यति ही, संस्कृत साहित्य जो है भारत का गौरव, देखिए गौरव उद्घोष्यति उद्घोष मतलब समझ रहे ना उद्घोषणा, यानी कि संस्कृत साहित्य भारत का क्या करता है गौरव का उद्घोषणा करता है। समस्ता देश एकता सूत्र बाद देवती तथा समस्त देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। अस्य साहित्य प्रचार प्रसार से नितान्त लाभप्रद, इसके साहित्य का प्रचार और प्रसार नितान्त ही लाभप्रद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए वेदाना व्याख्याना भूता ग्रंथा के संथी बाबू वेदों के व्याख्यान वेदाना व्याख्यान भूता ग्रंथ के संथी, वेदों का जो व्याख्यान है कौन ग्रंथ करता है हमें नहीं पता। यहां देखते हैं तो वेदाना व्याख्याना ब्राह्मणा ग्रंथा वर्तते, यहां मिला क्या यानी कि नाम क्या आ रहा है, कौन सा नाम आ रहा है ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण ग्रंथ आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े,
बाबू इसमें आगे बढ़ने के। दूसरे सवाल देखेंगे, मानव कर्तव्य कर्तव्यों निर्धारण कुत्र वर्तते, मानव के कर्तव्यों का निर्धारण जो है ये किसमें वर्णन है। तो यहां के लाइन को देखिएगा, नीचे अगर नहीं दिखाए कौन सा लाइन, थर्ड लाइन, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ना मानव कर्तव्य संवेदेशु वेदेशु मानव कर्तव्य सम्यक निर्धारण अस्ति, यहां से शुरू होगा, यहां से सेंटेंस खत्म, इसी में आंसर मिलने वाला था, है ना। तो वेदेशु मानव कर्तव्य कर्तव्य सम्यक निर्धारण अस्ति वेद में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, वेद हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा हमारा जो सवाल है, अब देखिए नीति शास्त्र दर्शनम जायते इत्र दर्शनम इत्यस्य व्युत्पत्ति अस्ति। अब देखिए दर्शनम शब्द हमको देखना है ना, तो लास्ट में क्या लगा है, मौ लगा है, तो मौ लगा है तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, दृश्य ल्युट, दृश्य हो जाएगा, दृश्य होगा, दृश्य ल्युट हो जाएगा, नहीं इसमें दृश्य हो जाएगा व्युत्पत्ति, हाँ ठीक है। तो दृश्य इसमें क्या हो जाएगा, मेरा मेन वर्ड हो जाएगा और ल्यूट यहां पे है, ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा सवाल है, विश्व साहित्य का अपूर्व घटना, विश्व साहित्य में कौन सी अपूर्व घटना, यानी कि ऐसी घटना जो पहले नहीं हुई, कौन सी घटना है। देखिए देखिए यहां पे लिखा है विश्व साहित्य का निर्माण, हाँ महाभारत निर्माण पूर्व घटने में वर्तते, यानी कि महाभारत की रचना जो विश्व साहित्य में पहले ऐसे ऐसा घटना नहीं हुआ है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और ये उस वक्त का सबसे लंबा चला लड़ाई था, ठीक है, 18 दिनों तक ये लड़ाई चलता रहा था। और आप अगर देखेंगे एक चीज जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इसमें कितने लोग मरे थे पता है, समझ लें देश खत्म हो गया होगा, मिलियंस ऑफ लोग, मिलियन मतलब समझ रहे ना, एक मिलियन तो 10 लाख होता है, देख लीजिए कितने मिलियंस लोग मरे हैं, गूगल पे एक बार आपका होश उड़ जाएगा देख करके, महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है, पूरा सर्वेदना का भाषा भाषे सम, पहले लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे भाई, संस्कृत भाषा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो अगर दिक्कत है तो यहां पे देखेंगे, शुरू में होना चाहिए, कौन सा लाइन में है, पूरा सर्वेजना संस्कृत भाषा में भाषंतम, मिल गया संस्कृत भाषा है ना, हो गया आंसर हमारा, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा हमारा जो सवाल है, ये शामुदीन केवल आर्षावर्त्य इत्र आर्षावर्त्य इति की निर्देशन्ति, या जो सिर्फ आर्जावर्त में नहीं, जो आर्जावर्त है इतर आर्जावर्त एक ही का निर्देश है, आर्जावर्त शब्द क्या निर्देशित करता है, आर्जावर्त का अर्थ क्या है, भारत देश है, ईरान देश है, भारत है, चलिए तो भारत कर देते हैं, आपको पता ही है, चलिए आगे बढ़े। पीछे वाले प्राणी क्या कर रहे हैं, चलिए देखिए हमारा यहां पे नेक्स्ट सवाल, अधो अंकितेशु की संस्कृत भाषा प्रशंसा न कृता, इसमें कौन ऐसा व्यक्ति जिसने संस्कृत की प्रशंसा नहीं की है, किल्लन ने तो किया भाई, मैक्स मूलर भी लिखा हुआ था नाम, किथेन ने भी किया था, चर्चिल नहीं किया था, है ना, तो चर्चिल हमारा आंसर जवाब, क्योंकि कह रहे हैं कि किसने नहीं किया था, है ना, तो क्लियर है। और भी सवाल है ना, हो गया ठीक है, पुनः अगली कक्षा मिलते हैं, धन्यवाद। चलिए मित्रों देखते हैं पेडागॉजी सेगमेंट, बहुभाषिकता अस्ति, कहता है बहुभाषिकता मल्टी लैंग्वेज, तो बहुभाषिकता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, प्रत्येक बच्चे प्रत्येक राज्य में, जैसे केरल मलयालम भाषा, आंध्र प्रदेश तेलुगु, बंगाल बांग्ला बोलते हैं ना बच्चे, और विद्यालय में यदि गए तो उसकी मातृभाषा यानी प्रथम भाषा को दीजिए सम्मान, और प्रथम भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि विद्यार्थी अनेक भाषा जानते हो, विद्यार्थी ना अनेक सुभाषा सुपाठ्यन्ते,
प्रत्येक शिक्षार्थी द्वारा अधिक यानी दो से अधिक भाषा जानाती, दो से अधिक भाषा जानते हैं तो उसे बहुभाषिकता कहते हैं। मेन लक्ष्य क्या है लेकिन साहब? प्रथम भाषा का सम्मान करना, वैविध्यपूर्ण भाषा का सम्मान करना जो कि बच्चे बोलते हैं अक्सर विविध विविध प्रकार की भाषा। कहते हैं शिक्षिका शिक्षार्थी ना भाषा जानती, जो शिक्षक या शिक्षिका भाषा ये विद्यार्थी और अध्यापक जिस भाषा को जानते हैं। अब जैसे मैं शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी जो भाषा जानते हैं, कक्षा में प्रथम भाषा को ही प्रयोग करवाया जाए, सम्मान दिया जाए। एक नंबर आगे बढ़िएगा आपका, क्या कहता है प्रश्न? शिक्षार्थी न व्याकरणिक नियमान सनेह सनेह, व्याकरण के नियम धीरे धीरे पौनः पुण्येन, फिर से पढ़ते हैं शिक्षन्ते, उसे ज्ञान दिया जाना चाहिए। कहता है शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों को धीरे धीरे सने सने पौनः पुण्येन च शिक्षन्ते, यदि सिखाया जाता है धीरे धीरे सने सने सर्वान व्याकरणिक नियमानाम, सभी व्याकरण के नियमों को एकदैव ज्ञानस्य अपेक्षया, एकदैव माने एक बार हता से अचानक देने की अपेक्षा धीरे धीरे व्याकरण का यदि नियम बताइए तो बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। यदि सनेह सनेह इसे ना हम वर्तुलाकार चक्राकार शिक्षण कहते हैं, यानी ज्ञान कहीं से भी धीरे धीरे। पाठ्य पुस्तक से अवबोधन क्षमता, पाठ्य पुस्तक का अवबोधन अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, तस्मात सूचना नाना आहरण तस्य व्याख्याना एतद् सर्वं किम् अस्ति। कहता है पाठ्य पुस्तक का अंडरस्टैंडिंग तत्मसात सूचन क्या हो जाएगा? अरे अंडरस्टैंडिंग करवाइए ना। मेन लक्ष्य क्या होता है पढ़ाने का, पठन पाठन करने का, अवबोधन करना, अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझ पाया कि नहीं समझ पाया। तो इस प्रकार के आरण तस्य व्याख्यान च एतत् सर्वं किम् अस्ति, सबसे अच्छा वाला क्या होगा? अवबोधन अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़िएगा, ये न वाक विकारेन, बोलने वाला विकार, कौन सा विकार? बोलने वाला। तो बोलने वाला भाषा संप्रेषण विकार, जिसे हम क्या कहते थे? अफेजिया, डिस्फेजिया और वाक, ये ना वाक है। और कल्य टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ये लोग का, वैकल्य को जो है ना क लिख देता है, वैफल्य, इसे कहते हैं भाषा संप्रेषण विकार। क्या कहते हैं बोलिए? वाक विकार, वाक वैफल्यम। वाक मतलब बोलना नहीं हुआ, भाषा संप्रेषण, और हमारा डी नंबर उत्तर होगा स्टटरिंग। हालांकि बोलेंगे इसे डिस्फेजिया, फेज उड़ जाना। चलिए शब्द निर्माण, व्यक्तिक ध्वनि भी किससे रिलेटेड है? ध्वनि से, व्यक्तिक ध्वनि भी। कहते हैं भवती तथा च शब्दाना विश्लेषण छ ध्वनि ध्वनि अस्तर पर्यंत यद्वा ध्वनि ग्रामस्त्र पर्यंत कर्तुं शक्यते इयम् अवधारणा अस्ति। इस प्रकार की अवधारणा शब्द निर्माण के लिए व्यक्तिक ध्वनि भी भवती, व्यक्तिगत ध्वनि होती है, तथा च शब्दाना विश्लेषण, साहब ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ, बताइए स्वनिम बताए हैं स्वनिम ध्वनि विज्ञान स्वनिम जिसको कहते हैं। देखिए अधोलिखितेषु, तो अधोलिखितेषु नीचे लिखा गया,
कतम गहना अध्ययन सह संबंध, गहन अध्ययन से रिलेटेड है, गहन अध्ययन से रिलेटेड है। गहन अध्ययन मतलब बोलिए साइलेंट रीडिंग, मौन पठन। क्या साहब? मौन पठन, साइलेंट रीडिंग। चलिए ठीक, मौन पठन। अब बताइए तो किधर है? कल भी बताए हो तो स्वंत सुखाय धारा प्रवाह इन पठन हेतु, यानी कि धारा प्रवाह पठन हेतु शिक्षा देना, प्रशिक्षणाय सहायता प्रदानम, यानी कि प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग आदि। इधर पूरक मध्ययनम अस्ति, यल लिखित वस्तु जातस्य निष्, बीच बीच में छिप जा गया है अक्षर, तनेन सह संबंधम अस्ति, पाठ्यवाणस्य पुस्तकस्य प्रतीक शब्दानाम अर्थावबोधना, प्रत्येक शब्द का अर्थ बोधन पठनस्य उद्देश्यम अस्ति, पढ़ने का उद्देश्य होता है। बताइए उत्तर हो, क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? सी हो जाएगा। हिंदी में भी बताया था हमने, पढ़ने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अर्थ का बोधन अर्थाव बोधन, पठनस्य पठन का उद्देश्यम अस्ति, उद्देश्य है, मेन लक्ष्य तो यही होता है ना। कहता है क्या त्रजी, पढ़िए 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 पढ़िए, क्या पद्धति से विश्वसती, कौन सी पद्धति विश्वास करती है? विषय वस्तु अपने वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण अधिक महत्वपूर्ण अस्ति, वाक्य निर्माण, बोलिए वाक्य निर्माण अधिक महत्वपूर्ण अस्ति, कौन सी पद्धति ऐसा वाक्य का? अच्छा वाक्य निर्माण किसमें देखते हैं? वाक्य निर्माण, बोलिए वाक्य का निर्माण सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स, वाक्य संरचना, बोलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट, सिंटैक्स किसमें करते थे? व्याकरण की बातें है ना, वाक्य निर्माण आप व्याकरण में देखते भी होंगे, सकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखिएगा अभिकथन ए, कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है, कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, आपको पता है ना रिमेडियल टीचिंग, बच्चे जो भी कमी रह गई उसको पता लगा के दूर करना, उसको पता लगा के सीखने में जो भी कमी रही, उपचारात्मक शिक्षण है। शिक्षण अधिगम कार्यक्रम अभिनंगाम अस्ति, अभिन्न अंग है, अभिनंगाम अस्ति, बोलिए यानी अभिन्न अंग है उपचारात्मक से, सही बात है ना, ये तो एसर्शन सही बोल रहा है ना। आर रीजन क्या है? सुष्टुत्या, बोलिए अनधितगान, जो अधिग्रहण नहीं किया, जो नहीं सीखा गया, जो नहीं अनधितगान, अनधितगान, अनधिग्रहण क्या? जो नहीं जान पाए, जो लर्निंग नहीं हो पाया, विषयान पुनः पाठना है, उसको फिर से पढ़ा करके उपचारात्मक शिक्षण भवती होता है, नहीं होता है क्या? और ये तो सुष्टया सुष्टया अनधितगतान विषयान पुनः पाठना है, हेलो उपचारात्मक शिक्षण भवती, अधोलिखित उचित विकल्प चिन्हित, नीचे लिखे गए में उचित विकल्प चुनिए, चिन्हित। तो एक नंबर सही है उभय ए, यानी दोनों, उभयम मतलब बोलिए दोनों, बोलिए तथा चो आर सत्यम, दोनों ही सही है, तथा जो आर इति उचित व्याख्या अस्ति, आर इसकी उचित व्याख्या करता है, उपचारात्मक शिक्षण उद्योग में तो इसकी व्याख्या कर रहा है ना साहब, ये हो जाएगा ना कि बी होगा? बिल्कुल, उपचारात्मक शिक्षण इधर भी इसके बारे में बोला जा रहा है। चलिए अब 23 नंबर, और 23 के बाद देखिएगा 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर बताइएगा 24। अच्छा 23 में व्याख्या कहां कर रहा है साहब?
उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद है जो नहीं समझा गया उसे पुनः पाठना है, फिर से पढ़ाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में ये होता है अभिन्न अवस्थी। इसके बारे में कहा बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण एक कार्यक्रम का जो है एक कार्यक्रम होता है जो अभिन्न अंग हिस्सा होता है, एक अभिन्न अंग होता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में वर्णन यदि यही बोलता कि अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, इसे पुनः पाठना है, पुनः फिर से पढ़ा करके सुधारा जाता है। एक नंबर इसका नहीं होगा, इसका बी नंबर होगा। उभयम ए तथा च आर मना कि असर्शन और रीजन दोनों सही है। इति उचित व्याख्या नास्ति, यह उचित व्याख्या नहीं है। एक ही अगला प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तकेशु कथा कविता नाटकानी, बहुत बेहतरीन प्रश्न। बोलिए पाठ्य पुस्तक में कथा कहानी कविता नाटक तथा च लेखक लिखिता अपर प्रसंगा, अपर प्रसंगा क्या अपर प्रसंगा सम्मिलिता भवंती एकादर्शी सामग्री, इस प्रकार की सामग्री अश्मांक हमारी आवश्यकता भवती, यतो ही इस प्रकार की सामाजिक सामग्री हमारी आवश्यकता होती है। यह है यतो ही, तो यह क्या है साहब, यह क्या है बताइए। प्रामाणिक भाषाया बोलिए और छ, क्या है ये छ, और स्वाभाविक भाषाया, ये या तो ही ये है, तो ये है प्रामाणिक के साथ साथ स्वाभाविक, नेचुरल के साथ साथ कृत्रिम, प्रामाणिक भवती यानी दोनों, क्या दोनों, ये क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा। एक्सैक्ट पाठ्य पुस्तके सम्मिलिता से इति उद्देश्यान लिखित है, पाठ्य पुस्तक के पाठ्य पुस्तक को सर्वे सर्वा बताने वाली बात नहीं चलेगी। प्रख्यात लेखक लिखित है, तथा प्रख्यात लेखकों के विषय में प्रख्यात लेखक, सरलाया भाषाया भवती, यह सरल भाषा के रूप में होती है, यह नियम के साथ साथ बाह्य जिंदगी से भी जुड़ी होती है। क्या पाठ्य पुस्तक ऐसे कथा कविता कहानी इस स्वाभाविक भाषा नेचुरल जिंदगी से नहीं जुड़ा होता है जी, बताइएगा। मुद्रित भाषा समृद्ध वातावरण, कैसा वातावरण समृद्ध भाषिक परिवेश, कैसा रिच एनवायरनमेंट, एनरिच एनवायरनमेंट आ गया। मुद्रित यानी प्रिंट, मुद्रित को क्या बोलेंगे बोलिए, प्रिंट समृद्ध वातावरण, प्रिंट समृद्ध भाषिक वातावरण, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। आपको बताए हुए थे विद्यालय में भी तरह तरह की लगी हो मैडम, विद्यालय में तरह तरह के पार्ट्स ऑफ बॉडी और तरह तरह की चीजें लिखी रहती हैं बच्चों को, या प्रिंटेड रहती है मैडम जी, प्रिंटेड रहती है ना, इसे मुद्रित कहते हैं, क्या कहते हैं मुद्रित कहते हैं इंग्लिश में प्रिंट, एनरिच एनवायरनमेंट कहते हैं। भाषा खेल खेल में सीखी चली जाती है वातावरण के माध्यम से। तो कहते हैं निर्मातु कतमा पद्धति, कतमा कौन सी पद्धति, क्या कौन सी पद्धति सहायक है अस्ति है, कहते हैं मुद्रित भाषा समृद्ध रहते हुए निर्मातु कतमा पद्धति सहायक है अस्ति, कौन सी पद्धति सहायक है बता दीजिए, तो कौन सी पद्धति सहायक है साहब, कहते कक्षा कक्ष में, क्या बोलिए कक्षा कक्ष में वस्तुना नामानी लिखित्वा, कक्षा कक्ष में वस्तुओं के नाम लिखने में मदद, तानी नामानी वस्तुषु नियोजनानी, फिर उसके बाद वस्तुओं का नाम के संयोजन में यानी वस्तुओं के नाम के संयोजन से जुड़ा हुआ, जैसे पांच सौ बॉडी का तस्वीर हेड आर्म, ये उसके नाम ही तो है,
जानना तो वस्तु के नामों को जानना कथना यत ते स्वीकियाया भाषाया वस्तुनाम नामानी ज्ञापयन्तु अर्थात वस्तुओं के नाम को ज्ञात करना। चलचित्र से प्रदर्शन, चलचित्र का प्रदर्शन होता है चलचित्र पर क्या पाठ्य वस्तु अधोलिखित प्रत्येक कक्षा कक्षा मूत्र नियंत्रणम प्रदानम अर्थात प्रिंटर क्या प्रिंटर मुद्रण यंत्र का मतलब होता है मुद्रण यंत्र प्रदान करना टाइपिंग मशीन प्रदान करना क्या यही लक्ष्य है मुद्रित। एक्चुअली ना बच्चा लोग को फंसाया कि मुद्रित देखेगा यहाँ भी मुद्रण देखेगा मार देगा उत्तर। मुद्रित परिवेश वातावरण इसका मतलब क्या हुआ प्रिंटर यानी मुद्रण यंत्र प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रदान किया जाए ये लक्ष्य होगा क्या नहीं होगा। अब मुझे ए बताइए और बी बताइए दोनों में से क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा। कथा मुद्रित परिचित निर्माता कथमा पद्धति सहायिका अस्ति कक्षा कक्ष में वस्तुनो नामानी लिखिता लिखितवा तानी नामानी वस्तुसु इधर से दिखता नहीं ठीक से नियोजनानी नियोजन करना नियोजन प्लानिंग तब वस्तुओं लिखितवा तानी नामानी वस्तुसु और फिर उसके बाद जो है विभिन्न वस्तुओं से जुड़ेगा उसके शिक्षार्थी ना कथना यत ते स्वीकार किया भाषाया आप इसमें भी फंस रहे होंगे एकदम। शिक्षार्थी ना कथना यत ते स्वीकियाया यानी स्वीकृत रूप में भाषाया वस्तुना भाषा वस्तुओं के नाम पर वस्तुओं के नाम डायरेक्टली दिया गया है ये रटंत विद्या पर आधारित होगा जो कि ये हमारा दमदार नहीं होगा एक नंबर विकल्प होगा जो कि किस पद्धति में सहायता करेगा किस पद्धति में सहायता करेगा साहब ये देख लेना है ठीक। हाँ अब आगे देखा जाए प्रश्न आपका अंशु इति नाम द्वितीय कक्षा या अध्यापक तो अंशु जो है ना द्वितीय कक्षा के अध्यापक हैं किस कक्षा के द्वितीय कक्षा के ठीक बड़ी खुशी की बात रहने दीजिए हमको क्या करना है। अंशु इति नाम ना ये क्या है नामत्र अरे अच्छा ठीक इति नामत्र नाम्र द्वितीय कक्षा या अध्यापक स्वीकिया खुद के स्वीकृत भाषा कक्षाया तो कहते हैं ये द्वितीय कक्षा के अध्यापक हैं कहते पश्यंतु बोलिए देखो और बोलिए चौमेंस और ज्ञापयंतु ज्ञात करो पता करो समझो ज्ञात करते हुए समझो बोलिए पश्यंतु ज्ञापयंतु च देखो और पता करो पता करते हुए समझो पश्यंतु ज्ञापयंतु च इति गतिविध्यर्थ इस प्रकार की गतिविधि एक्टिविटी कतिप यानी कौन सी वस्तुनि आनयति कौन से वस्तु का किस चीज का कौन सा वस्तु लाया जाना चाहिए देखो और पता करो। इसमें भाषा शिक्षण अधिगमे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भाषा शिक्षण अधिगम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इमानी वस्तुनी इस प्रकार की वैसे वस्तु के नाम्रा ज्ञायन्ते तो इस प्रकार की इसमें कैसी वस्तु केन नाम्रा ज्ञायन्ते यानी क्या नाम आप देते हैं यहाँ इसको बताइए तो रियालिया मतलब क्या होता है ना वास्तविक जीवन की वस्तु बोलिए तो रियालिया मतलब वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ रियल ऑब्जेक्ट
आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्या ना सर्किल, तो बच्चे को पढ़ा गोल गोल रोटी दिखला दीजिए, क्या दिखला दीजिए, ये रियालिया है, सचमुच के वस्तु क्या है, बोलिएगा सामान्य प्रदर्शयानी वस्तुनि, हालांकि सामान्य की जगह क्या हो जाएगा वास्तविक, क्या हो जाएगा वास्तविक, वो बंदा खुद ही फंस रहा था इसलिए इंग्लिश दे दिया लैंग्वेज पेपर में, क्वेश्चन जब पूछा गया था ना, तो वास्तविक प्रदर्शयानी वस्तुनि, तो वास्तविक विषय वस्तु को प्रदर्शित करेंगे, आप क्या रियल ऑब्जेक्ट दीजिएगा बच्चों को, तब ना ये लाइन कहिएगा पश्यन्तु व्याप्यन्तु च, देखो और चीजों को समझो, अध्ययन समझ विकसित करो, प्रदर्शन करना भाषा से जुड़ा हुआ खाली स्मृति मतलब याद रखने वाली बातें। आगे बताइए, अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, 27 नंबर प्रश्न है दोस्त, पढ़िएगा। शिक्षक ने प्रारंभिक चरणे चित्रात्मक पुस्तक पठने, कैसा चित्रात्मक रंग बिरंगी तस्वीरें, ध्यान दातव्यम, रंग बिरंगी तस्वीर वाली पाठ्य पुस्तक के ऊपर ध्यान देने के लिए कहते हैं, यह तो ही ये किस प्रकार की गतिविधि है। अच्छा, चित्र के माध्यम से बच्चे एक्टिव हो जाते हैं क्या, ड्राइंग बनाने बोलिएगा, चलो तुमने घर का फोटो बनाओ, अरे वाह वाह वाह, सीपीडब्ल्यू, छोटा बच्चा आपके कॉपी किताब में तरह तरह की तस्वीरें देखता होगा और बोलता होगा ना बच्चे प्रदूषण वाले चैप्टर में, ओ यहाँ कुट्टी कर रहा है मामा, देखो गाछ है पेड़ पौधा, तरह तरह के फोटो पलटते देखता था ना, मोबाइल में भी जब बच्चा रो रहा हो आप फोटो दिखला दीजिए तस्वीरें, चुप होते है, तस्वीरें रोचकता को बढ़ाती हैं, रोचक पूर्ण अधिगम को बढ़ाती हैं, विकसित करती हैं। कहता है शिक्षक ने प्रारंभिक चरणे चित्रात्मक पुस्तक पठने, तादृशानि चित्राणि चित्रतो प्रेरति, यानी तादृशानि चित्राणि चित्र चित्र दर्शन आनंद जायते, आनंद की प्राप्ति के लिए, हाँ सी बिल्कुल, इदा शिक्षार्थिना चित्राणि अवबोधुम, यदि वो बच्चा समझता है, बच्चे क्या करते हैं ना चित्रों को समझता है, विश्लेषण में मदद करता है, चाहयो भवति, अर्थात चित्र आदि के माध्यम से समझ विकसित होती है, विश्लेषण विकसित होती है, विश्लेषण में यह सहायो मदद करता है, मदद निभाता है। इधर शिक्षार्थी ना विभिन्न रंगाना ज्ञान ददाति, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार की रंगतों का ज्ञान दिया जाता है क्या, चित्रात्मक पर पुस्तक पठने, तो इसका मुख्य लक्ष्य हो जाएगा समझ, हमने कई बार बताया मेन लक्ष्य ही है अवबोधन, क्या है अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करवाना, क्या सवाल, समझ विकसित करवाना, समझते हुए पढ़ाना, और पढ़ा दिए तो बच्चे समझने चाहिए। कहता है एक अध्यापिका बालाना कार्य यथा, एक अध्यापिका बालकों के कार्य को क्या, जैसे लेखन प्रतिमानाती, बोलिएगा जैसे लिखने का प्रतिमानित मानती, बोलिएगा लेखन प्रतिमानाती, चित्राणी कथा इत्यादि पत्रावर के स्थाप्यति, साथ ही साम उपयोग आकलने करोति, इदम अस्ति, यह है, तो इसको क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो, यानी कि एक अध्यापक अध्यापिका बच्चे के लेखन के कार्य को, चित्रों के कार्य को, वर्ष भर होने वाले कार्य का लेखा जोखा एक फाइल में रखती है, उसे फोलियो कहते हैं, और पोर्ट मने आसानी से ढोने वाला, तो लेखा जोखा रखती है, यही तो पत्रावान कहलाता है, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं, क्या कहते हैं पोर्टफोलियो कहा जाता है। 28 हो गया क्या, हो गया 29 नंबर, देखिएगा दोस्त 29 नंबर प्रश्न कहता है, अधोलिखितेषु अभ्यासेषु भाषा शिक्षण कतम कौन सा श्लाघनीयतम,
बताइए, पहले तो पढ़िए अधोलिखितेषु, पढ़िए आगे। आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बी कहते हैं आत्मविश्वास आंगल, हेलो आंगल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा, क्या गलत हो गया, क्या हो गया? अरे प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा से जोड़िए, किससे जोड़िए? भाषिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समागतता समानता के साथ सबको स्वीकृता यानी स्वीकृत किया जाए, सबको आत्म सम्मान दिया जाए, बच्चे के अनुभवों को आत्म सम्मान दिया जाए। इदा सुनिश्चिता कुर्यात् यत् तस्य कक्षाया सर्वे शिक्षार्थिना स्वीकृता, सब प्रकार के बालकों को स्वीकृत करते हुए उनके अनुभवों को महत्ता इंपोर्टेंस देते हुए आत्मसम्मानातिशात अनीताश अनुभवेयुः काम ते तस्यापि भाषिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिगतः समागतः स्युः, यानी सबको समागत समावेशित करना चाहिए, तो बहुत बेहतरीन विकल्प है आपका। लास्ट देखिएगा प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्त, अधोलिखितेषु नीचे लिखा गया अभ्यासेषु भाषा शिक्षकेन कथम श्लाघनीयतम है, वही सेम टू सेम आ गया, नहीं विकल्प तो अलग है। चलो बताइए, 30 नंबर पढ़िए और बताइए, 30 नंबर बताइए अधोलिखितेषु, और नीचे जो लिखा गया है ना, बी नंबर मिला, बी नंबर। पहले तो आप लोग देखिए, अनंतराक्षरयाणाम भवेत, फिर भी पढ़िए ऑप्शन, चलिए जल्दी कीजिए, हो गया, अब सी ऑप्शन पढ़िए, डी को पढ़ा जाए, अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए अभ्यासेषु अभ्यास में भाषा शिक्षकेन कथम श्लाघनीयतम, कौन सा उचित रूप में हमारा सही हो जाएगा, देखिएगा, बोलिएगा, कविता कथा मां ध्रमेण भाषा शिक्षण आरंभे, कविता कथा के माध्यम से, माध्यमेन क्या है, माध्यमेन कविता कथा, माध्यमेन भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण आरंभे, यानी कि भाषा का शिक्षण आरंभ, अनंतरा अक्षर ज्ञानम ज्ञान आरंभे, यानी कि अक्षर ज्ञान से, अक्षर ज्ञान से आरंभ करवाया जाना चाहिए। भाषा का शिक्षण किससे शुरू करवाया जाना चाहिए, हमने कई बार बोला है, आप देखिए किड्स प्ले, मछली जल की रानी है, किससे करवाया, कविता से, किससे, मौन नहीं लिखना जानता बच्चा, मौन नहीं जानता, लेकिन मछली जल की रानी है, बच्चा टी नहीं जानता, 3 साल की बच्ची या बच्चा, शुरू में क्या करते हैं किड्स प्ले में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चा टी तक नहीं जानता है, अर्थात कह रहा है कविता कथा माध्यमेन भाषा शिक्षण शिक्षण आरंभे, अनंतरा लगातार अक्षर ज्ञान के माध्यम से आरंभ करवाया जाना चाहिए। कहता है ध्वनि भी शब्द पद उपवाक्य आदि, ध्वनि भी शब्द पद उपवाक्य, सुनिएगा, बोलिए, पहले ध्वनि का प्रयोग
फिर अक्षरों को जोड़कर, ध्वनियों को जोड़कर शब्द का प्रयोग, फिर पद दोहा चौपाई, फिर छोटे छोटे वाक्य और फिर बड़े बड़े वाक्य बच्चा बोलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। कहता है अनंतरा संदेश निष्कूचनम, संदेश निष्कूचनम मतलब कि इस प्रकार से शिक्षण होना चाहिए, होता है भाषाया अर्थम अवबोधुम शिक्षार्थी पूर्व जित ज्ञानस्य, पूर्व अर्जित ज्ञानस्य, पूर्व अर्जित ज्ञान का उपयोग करोति। कदा शिक्षक समग्र भाषा उपागमे ध्यान केंद्रित, तुम ध्यान केंद्रित, आपसे पूछा जा रहा है कतम श्लाघनीय, तुम सबसे ज्यादा, सबसे उपयुक्त पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा बेस्ट पूछा जा रहा है, बाकी भी आपके उपयुक्त ही हैं, इन सब में सबसे ज्यादा उपयुक्त देखना है, सबसे ज्यादा उपयुक्त। सबसे पहले बच्चे को ध्वनि का प्रयोग ओ आ को ख ए बी सी डी वगैरह का प्रयोग करवाते हैं, ध्वनियों का प्रयोग, तत्पश्चात शब्द, घर घर कलम कलम, थल तर टम 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 टम, पनगट पनगट, फिर पदों का प्रयोग, फिर उपवाक्य आदि का प्रयोग, आदि का प्रयोग। बी नंबर हमारा उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।